नमस्कार, दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। दीपावली पर न्यूज एडिशन आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा शो जिससे आपके घर होगी धन वर्षा, आएंगी खुशियां ही खुशियां। आपको बताएंगे आपका लकी नंबर दिवाली पर क्या सौगात लेकर आ रहा है, आपको बताएंगे किस राशि के लोगों पर माँ लक्ष्मी की खास कृपा बरसने वाली है, साथ ही आपको बताएंगे आपका लकी चार्म कार्ड कैसे बनाएगा आपको मालामाल। तो ये सब बताने के लिए हमारे साथ अंक ज्योतिषी गिनी मेहता मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य अरविंद त्रिपाठी मौजूद हैं, टैरो कार्ड रीडर तोशिका राजौरा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। तो देखिए, दिवाली पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए हर घर में पूजा की जाती है, घर को रोशनी से जगमग किया जाता है ताकि घर में सुख शांति का वास रहे। तो सबसे पहले न्यूमेरोलॉजिस्ट गिनी मेहता से हम जानते हैं आपके लकी नंबर्स के बारे में। इस बार दिवाली पर आपके नंबर क्या सौगात लेकर आने वाले हैं और क्या उपाय करने से आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा, तो गिनी से ही जानते हैं। गिनी, बताएं जरा दिवाली के सबको शुभकामनाएं भी दें और दिवाली पर ऐसा क्या करें कि हर घर मालामाल हो जाए। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंड जिनका मूल अंक 1 है या जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 है, उनको मैं ये एडवाइस करना चाहती हूँ कि वो लोग कोई नया काम ना शुरू करें। बिजनेस में मुझे लॉस होता हुआ दिख रहा है और अपने गुस्से पे नियंत्रण रखें, अपने गुस्से में आके कोई भी डिसीजंस ना लें। और मैं उनको ये रेमेडी देना चाहती हूँ कि वो चांदी धारण करें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मूल अंक 2 वालों के लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या फिर 29 है, इस दिवाली उनके लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है। कुछ भी धन का लाभ हो सकता है, कोई भी नया चीज़ करना चाहते हैं तो उसमें एक्शन की ज़रूरत है। सोचे ना, प्लानिंग ना करें, बट उसको एक्शन में भी कन्वर्ट करें। और वो उपाय कर सकते हैं, उनके लिए ये उपाय है कि वो अपनी वाइफ को, मदर को या अपनी डॉटर को कुछ भी गिफ्ट दे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं मूलांक 3 वालों की, जिनका मूल अंक 3, 12, 21 या 30 है, उनके लिए इस दिवाली पर टाइम बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है। बिजनेस में और जॉब में प्रमोशंस दिख रही हैं और आप लोग बहुत ही तरक्की करने वाले हैं। और आपके लिए ये उपाय देना चाहूँगी कि कुबेर जी को इत्र लगाएं, इत्र चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब करते हैं मूलांक 4 वालों की बात, जिनका मूलांक 4, 13, 22 या फिर 22 है, उन लोगों के लिए ये उपाय है कि वो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बैक में मुझे उनके पेन ज़्यादा दिख रही है और नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव थॉट से जितना दूर रहें उनके लिए अच्छा है। उनके लिए ये उपाय देना चाहूँगी कि 5 बूंदी के लड्डू वो गणपति जी को ज़रूर अर्पण करें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं मूलांक 5 वालों की। मूलांक 5 वालों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके लिए तो समय बहुत ही अच्छा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ की बात करूँ, चाहे वो उनके बिजनेस की बात करूँ, चाहे वो उनके जॉब की बात करूँ, और इवन स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। वो जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा ये टाइम। और उनके लिए जो रेमेडीज़ हैं वो ये देना चाहूँगी कि वो ओम गण गणपतये नमः का चांट करें। तो अंक 5 तक की तो बात हो गई है, बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो अंक 5 के बाद वाले हैं, तो 5 तक के लोगों के लिए आपने बता दिया कि दिवाली पर क्या करना चाहिए और कैसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए। तो गिनी, अब आगे बढ़ते हुए जो बाकी के नंबर बच गए हैं 6, 7, 8, 9, उनकी भी बात कर लेते हैं। जी ज़रूर। मूलांक 6 वालों के लिए इस टाइम मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है और ट्रैवलिंग से उनको फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा बेनिफिट दिख रहा है मुझे, तो ट्रैवलिंग ज़रूर करें। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप उसके लिए टाइम ज़रूर निकालें और उस चीज़ को एक्शंस में कन्वर्ट करें और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और माँ लक्ष्मी को अगर आप शहद चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं मूलांक 7 वालों के लिए। मूलांक 7 वालों के लिए टाइम अच्छा है, लर्निंग टाइम है, इस टाइम आपको सीखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई भी डिसीजन बहुत जल्दी में नहीं लेना है। जो भी काम आप करना चाहते हैं पहले उसके लिए समझिए, नॉलेज लीजिए और उसके बाद कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस टाइम अगर आप माँ लक्ष्मी को चावल अर्पण करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है।
अब हम बात करते हैं मूलांक आठ वालों की। मूलांक आठ वालों के लिए ये दिवाली धन के साथ साथ जिनके जिनको पुत्र और पुत्री की कामना है तो वो भी उनकी पूरी होगी। सो बहुत ही अच्छा टाइम लेकर आ रही है माँ लक्ष्मी आप लोगों के लिए, और आप गणपति जी को अगर चंदन अर्पण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात मैं करूँगी अब मूलांक नौ वालों के लिए। मूलांक नौ वालों के लिए तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है, जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं अभी तक, जो शादियों का वेट कर रहे हैं, या जो रिलेशनशिप में जिनकी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट होते हुए दिख रही है, और जिनके रिश्ते नहीं हुए थे अभी तक फाइंड कर रहे थे उनके रिश्ते होते हुए दिख रहे हैं, घर में सेलिब्रेशन का टाइम दिख रहा है, वेडिंग का टाइम दिख रहा है, तो वो बहुत ही इन्जॉय करने वाले हैं इस टाइम को। और उनके लिए मैं ये उपाय देना चाहूँगी कि वो कुबेर जी को और माँ लक्ष्मी जी को अगर छोटी इलायची अर्पण करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलो, बहुत आसान से आपने उपाय बताए हैं, गिनी ने बताया कि किस तरह से इस दिवाली पर आपका नंबर क्या कहता है और किस उपाय से आप पर बरसेगी माँ लक्ष्मी की कृपा और आपके जो काम है वो सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। तो क्या अंक ज्योतिष में कोई और ऐसे खास उपाय हैं जो आप लोगों को बता सकती हैं, जो कॉमन उपाय हों जिससे वो करके सुख समृद्धि घर में ला सकते हैं और उनकी परेशानियाँ दूर हो जाएँ? मैं ये बोलना चाहूँगी कि इस दिवाली पर लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं यूजुअली, मैं बोलूँगी साथ में कुबेर जी की जरूर करिए। जब आप कुबेर जी को साथ लेकर आएंगे तो वो चीज़ संपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि हमारे जितने कल्चर में थर्ड ट्रायंगल चलता है, अगर आप देखें माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ दुर्गा जैसे कि, तो ऐसे ही इन तीनों की, अगर इन तीनों को साथ लेकर चलेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, गिनी जी से हमने जान लिया कि आपका लकी नंबर दिवाली पर क्या सौगात आपके लिए लेकर आया है और क्या छोटे छोटे उपाय करने से आपके काम बन जाएंगे। अब ज्योतिषाचार्य अरविंद त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, अब उनसे जानते हैं कि दिवाली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या खास उपाय करें और किस राशि के लोगों को क्या करना चाहिए। अरविंद जी, आप बताएं क्या करना चाहिए। जी, समस्त देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख समृद्धि, यश प्रतिष्ठा की वृद्धि हो, वैभव मिले और आपके परिवार पर महालक्ष्मी की महान कृपा हो, माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना है। यह जो दीपावली का त्यौहार है यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही शुभ तिथियों वाला, शुभ संयोग में है। इसमें जो ग्रहों की स्थिति है, मकर राशि पर बृहस्पति शनि है, धनु राशि का शुक्र है और वृश्चिक का केतु है, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध तुला राशि पर, तो यह जो ग्रहों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 12 राशियों वाले अगर अपने राशि के हिसाब से मंत्र जप करें, पूजा करें और साधना करें तो निश्चित रूप से यह दीपावली का त्यौहार उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सब राशियों के लिए समस्या होती है कि उनके पास धन की स्थिति कैसी हो, कैरियर उनका कैसे हो, संतान उनके घर में कैसा हो और उनके घर पर महालक्ष्मी की कृपा कैसी हो। इस सब को लेकर के हम आपको आइए बताते हैं 12 राशियों के लिए कि क्या होगा। तो जो प्रथम राशि है मेष राशि, तो जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए यह दीपावली बहुत महत्वपूर्ण है। आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगा, यश प्रतिष्ठा बढ़ेगा और धन वर्षा होगी। इसके लिए आपको सिंपल सा एक उपाय ये करना है कि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ, इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको सावधानी क्या बरतनी है, गुस्सा नहीं करना है, बहुत ही शांति से किसी भी काम को करना है। यह दीपावली आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। तो जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए क्या करना है कि उनके लिए यह जो दीपावली है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप क्या करें कि अपने घर में माताजी को, अपनी बहन को और अपनी पत्नी को बिना बताए लाल रंग का वस्त्र जरूर गिफ्ट करें, उनको साड़ी गिफ्ट करें और एक चांदी का सिक्का गिफ्ट करें और जो भोजन बनता है उसमें खीर जरूर उनको दें। और वृष राशि वालों के लिए यह दीपावली बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं उनको खास तौर से गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और गणेश जी की पूजा के साथ साथ महालक्ष्मी की पूजा करें। और यह जो दीपावली है आपके लिए बहुत ही शुभ लेने वाला है। आप कोई बड़ा घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं और अगर आपके घर में कोई व्यक्ति अविवाहित है तो उसके विवाह होने की भी संभावना बन रही है। आज चूँकि दीपावली का दिन है तो पंचमेवा का खीर बनावें और गणेश जी को अर्पित करते हुए 46 दुर्वे का प्रयोग करें, जिससे क्या होगा कि पूरे वर्ष पर्यंत आपके घर
में धनलक्ष्मी की वर्षा होगी। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। तो जो कर्क राशि के जातक हैं उनको थोड़ा सा अपने मन पर नियंत्रण करना है, आवेश में आके कोई काम नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत जल्दी इंपल्सिव हो जाते हैं। तो आज के दिन आपको ध्यान रखना है कि वाद विवाद नहीं करना है, शांति तरीके से रहना है। और आज आप क्या करें कि अपने घर पर गेहूँ का ढेर लें और उसको वहाँ स्वास्तिक बनावें, और गेहूँ के ढेर पर क्या करें कि एक बड़ा सा दीपक जो नौ बत्ती होना चाहिए और अगर मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए कि जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए यह दीपावली कैसा रहेगा। तो जो सिंह राशि के जातक हैं यह दीपावली आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको कोई बड़ा सा डील हो सकता है, जिस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। और आज आप चाहे व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में एफर्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे, उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलने की शुभ संकेत मिल रहा है। आज आपको क्या करना है, क्या करना है कि आप चावल ले लें, चावल को ध्यान रखना चाहिए कि साबुत होना चाहिए, और एक प्रकार का स्वास्तिक बना करके उसमें कटोरे में रखिए और उसमें लौंग रखिए और हल्दी रखिए और रोली रखिए, रख करके और उस पर नौ बत्ती वाला दिया रखिए। और क्या करें कि जो आपके घर के सामने अशोक का पत्ता होता है, अशोक का पत्ता, उसका तोरण बना करके अपने दरवाजे पर लगाइए ताकि आपके घर में कोई भी निगेटिव ऊर्जा ना आवे, आपके घर में पॉजिटिविटी रहे, इसके लिए आप करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए यह दीपावली बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, नौकरी, राजनीति, जिस क्षेत्र में आप प्रयास करेंगे आपके प्रयासरत कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, रोग और शत्रु परास्त होंगे, आपके मन में जो इनसिक्योरिटी है, जो अज्ञात भय है, वो भी समाप्त होने का दिन है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं तो इसमें ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप करें और श्री गणेश जी को 56 दुर्वा गुच्छा बना लें और 56 दुर्वा इनको जरूर करें अर्पित। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए कि जो तुला राशि के जातक है उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, दीपावली कैसी रहने वाली है। तो जो तुला राशि के जातक है आपकी आज परेशानियां समाप्त होंगी। आज आपको दोपहर तक बड़े पैमाने पर धन लाभ होगा, रुका हुआ धन मिलेगा, आपके रोग और शत्रु परास्त होंगे और आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण होते हुए दिख रहे। आज आपको क्या करना है कि खीर बना करके और अपने माता पिता को खिलावें और मंदिर में जरूर दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और चांदी या मोती अपनी माँ को गिफ्ट करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो जो वृश्चिक राशि के जातक है आज आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं, आक्रोश में आते हैं, तो यह प्रवृत्ति आपको बचाना है। और आप क्या करें कि दरवाजे पर अपने गेहूं का ढेर लगा करके उस पर नौ बत्ती वाला दिया जरूर जलावें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये ध्यान रखना है कि घर के सामने कोई भी कूड़ा न रहे, इसका आपको खास तौर से ध्यान देना, नहीं तो कर्जे बढ़ सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं जो धनुराशि के जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा। तो जो धनुराशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, आपके घर धन की वर्षा होगी। आप अगर कोई गोल्ड में या रियल इस्टेट में, प्रॉपर्टी में या किसी से लेन देन के डील किए हुए हैं तो आज आपको बड़े लेवल पर धन मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपकी बड़ी अनुकूल है, आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। आपको क्या करना है, खास तौर से आज गणेश जी की आराधना करना है और साथ ही साथ ओम लक्ष्मी नारायण अभ्यो नमः इस मंत्र का भी जप करना है। और एक मंत्र और आपको बताते हैं जिससे आपको कभी पूरे वर्ष पर्यंत धन का अभाव नहीं रहेगा। उसके लिए क्या करना है कि ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी मम गृहे आगच आगच, और हो सके तो श्री सूक्त का भी पाठ करें, आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। तो जो मकर राशि के जातक हैं उनको ये ध्यान रखना है कि आज आपको गुस्सा पर नियंत्रण करना है, किसी भी अज्ञात व्यक्ति से कोई डील नहीं करना, अगर डील करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, तो इससे आज आपको बचना। आपको क्या करना है कि सरसों का तेल, किसी जहाँ चौराहा हो वहाँ सरसों के तेल का दीपक जलावें और आप पीछे मुड़ करके मत देखिए, सीधे घर आइए और आने के बाद अपने माता पिता का चरण स्पर्श करिए और गणेश जी की आराधना करिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने कोई डील किया है या पैसे की कोई लेन देन किया तो सारे पैसे आपके, रुके हुए भी पैसे, मरे हुए भी पैसे मिलेंगे और धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी।
थोड़ा सा पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है, उसके लिए आपको क्या करना है कि शनि की आराधना करना है और सरसों के तेल का दीपक जला करके और हनुमान जी को क्या करें कि लाल तेल, लाल वो ले लीजिए, रंग का कोई भी कपड़ा ले लीजिए और लाल सिंदूर ले लीजिए, सरसों के तेल से या चमेली के तेल से उसको लेप करिए और हनुमान जी के पैरों पर लेप करिए, तो आप देखेंगे कि आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। और 11 लड्डू चढ़ाना आप ना भूलें। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आपकी सारी परेशानियां दूर होगी, हेल्थ भी ठीक होगा, वेल्थ भी ठीक होगा, चतुर्दिक प्रगति से मन आपका प्रसन्न रहेगा, पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक होगा जो बहुत दिनों से आप परेशान हैं, और जो बच्चों को लेकर के आपके मन में परेशानी वो भी दूर होगा, और घर में नए मेहमान के आगमन का शुभ संकेत भी मिलेगा और शुभ कार्य का भी योग बन रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी चीज़ आज आपको मिल सकती है। आज आप क्या करें कि भगवान श्री गणेश की आराधना करें और साथ ही साथ श्री सूक्त का पाठ करें और महालक्ष्मी का मंत्र पढ़ लीजिए, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ, इस मंत्र से करिए और 11 कपूर जला करके और हनुमान जी को अर्पित करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए छोटे छोटे मैंने उपाय बताया जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। तो अरविंद जी ने बताया कि कैसे ये खास उपाय करने से घर में महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी, अगर इन उपायों को आप करते हैं तो आपके घर धन वर्षा होगी।